अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो और एक नए व्लॉग के साथ। तो अभी हम जा रहे हैं लंच पे। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको पहुँच के दिखाऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून। सो अभी हम आ गए हैं चॉप चॉप वॉक पे फॉर लंच। चलें अंदर चलते हैं। एक्चुअली दे इंट्रोड्यूस 3 न्यू डिशेस विद कोलैबोरेशन ऑफ कनौर। सो हमने इनकी दो डिशेस ट्राई की, क्रंच नूडल सैलड एंड थाई बेसल चिकन। क्रंच नूडल सैलड बहुत अच्छा था विथ टेंगी टेस्ट, जो 2 पर्सन के लिए काफ़ी था। मतलब कि क्वांटिटी उनकी काफ़ी थी कि 2 पर्सन आराम से उसको खा सकते हैं। एंड ये रहा इनका मेन्यू। एंड रोस्टेड पीनट्स विद इनकी जो सॉस होती है, जो लोग जो खुद बनाते हैं, जो काफ़ी स्पाइसी होती है, तो ये लोग ये कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। तो ये रहा हमारा क्रंच नूडल सैलेड। लेट्स एंजॉय इट। एंड सैलेड के साथ हमारे पास यहाँ पे थी पीच आइस टी, जो वो भी बहुत अच्छी थी। सो सैलेड तो हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया था। तो लेट्स ट्राई थाई बेसल चिकन। तो जी लंच तो इनका बहुत अच्छा था, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी। तो मैं आप सब से भी यही कहूँगी कि जाएं और उनकी ये डिशेस ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ सो नाउ इट्स टाइम टू गो होम। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।